जिला भर में निर्माण कार्यों में काम करने वाले मिस्त्रियों और मजदूरों ने निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन के आह्वान पर आज कैथल में प्रदर्शन किया। मजदूरों ने हरियाणा के श्रम मंत्री नायब सैनी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करते हुए मजदूर लघु सचिवालय पहुंचे, जहां यूनियन के नेताओं कहा कि सरकार मजदूरों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही, जिस कारण मजदूरों में भारी रोष है। मीडिया से बातचीत करते हुए कॉमरेड फूल ने कहा कि मजदूरों ने एक 10 सूत्रीय मांग पत्र दिया था, जिस पर सरकार ने कोई गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों के नए नियम लागू करके उन्हें परेशान कर रही है। हाँ, सरकार ने जल्द ही मजदूरों की मांगों को मंजूर नहीं किया तो प्रदेश भर के मजदूर बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। आज हमारे जिला के निर्माण कार्य में जो मजदूर मिस्त्री हैं, निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन के आह्वान पर यहाँ आज सुबह 10 बजे जवाहर पार्क में एकत्रित हुए और मनरेगा में इसकी जो समस्याएं हैं, निर्माण कार्य मजदूरों की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर विमर्श किया, मांग पत्र तैयार किया और अपना जो समस्याएं हैं और मांग पत्र देने के लिए आज यह डीसी ऑफिस में, और ये मांग पत्र आए हैं डीसी ऑफिस में। हम डीसी साहब के माध्यम से सेक्रेटरी BOCW वेलफेयर बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उनके नाम में हमने मांग पत्र लिखा है और हमने उसमें इस बात का निवेदन किया है कि हम काफ़ी समय से हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हो रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि लगभग एक साल से हमारे मजदूरों की और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो समस्याएं हैं, बहुत बढ़ गई हैं। इससे पहले क्या होता था कि ऑफलाइन सारा काम होता था, ऑफलाइन में के समय में मजदूर यूनियन जो रजिस्टर्ड पंजीकृत यूनियन है वो अपनी मोहर लगाकर, उनके पास पावर थी, मजदूर होने का सर्टिफिकेट जारी किया करती थी या फिर पार्षद उनके ऊपर मोहर लगा के इस बात का सर्टिफिकेट दे दिया करते थे कि ये निर्माण में भवन निर्माण में काम करता है। लेकिन पिछले एक साल से और ये इन्होंने एक ऐसे अध्यादेश जारी कर दिए कि कोई भी यूनियन, पंजीकृत यूनियन, उनसे सारे के सारे अधिकार जो मोर लगाने की पावर थी वो ख़त्म कर दी और जो अधिकारी है, सरकारी अफसर है, उनको ये अधिकार दे दिया। जैसे तहसीलदार है, पटवारी है, सेक्रेटरी है, BDPO है, SDO है, JEEs है, लेकिन समस्या यहाँ पैदा हो गई मजदूरों के लिए कि जब वो इन्हें अधिकारियों के पास मजदूर होने का सर्टिफिकेट लेने के लिए, मोर लगाने के लिए जाते हैं तो वो उनको कहा जाता है कि हम नहीं जानते कि आप मजदूरी का काम करते हो, भवन निर्माण में काम करते हो, तो सवाल इस बात का तब खड़ा हो जाता है। ख़त्म करने के बाद अधिकारियों के पास जब तक उन्होंने मना कर दिया, साफ तौर पर इनकार कर दिया, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो इस वजह से क्या हुआ कि वो थक हार कर अपने घरों में बैठ गए हैं और उनके सारे के सारे काम बंद हो गए हैं। इसके बाद साथियों, एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल 26 दिसंबर 2018 को एक अध्यादेश जारी किया श्रमिक वेलफेयर बोर्ड ने, हरियाणा सरकार ने, कि कोई भी काम, निर्माण कार्य का जो भी काम है वो सारे के सारे काम ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन किए जाएंगे। जब ऑनलाइन ये कंप्यूटर सेंटर पे जाते हैं, क्या है कि ये जो सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार है वो सब घोषणा के आधार पर होना चाहिए, या जो श्रमिक जो मजदूर संगठन बने हुए हैं, पंजीकृत यूनियन है, उनको अधिकार दिया जाए, अधिकार दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो मजदूरों को जानते हैं, अधिकारी कोई मजदूरों को नहीं जानता। हमारी मांग ये भी है, जो 24 योजनाएं सरकार ने मतलब घोषणा की हुई है और वो सारी के सारी योजनाएं लागू की जाएं, क्योंकि आज जो घोषणा करने के बावजूद भी सिर्फ 12-13 जो घोषणाएं हैं वो लागू की गई हैं। पिछले से एक साल पहले हमारे श्रम मंत्री ने इस बात का 52,000 + 50,000 1,01,000 रुपये दिया करेंगे, लेकिन एक साल हो गया घोषणा को दिए हुए, आज तक वो घोषणा उनको लागू नहीं किया गया। तो साथियों, आज हमारे बीच में जो साथी आए हैं उनकी मांग हैं, तमाम मांगे हैं, और वो तमाम मांगे उनको पूरी करने का हरियाणा सरकार से हम निवेदन करते हैं। धन्यवाद।